अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने वाइट स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए है कि जब भी वो यूट्यूब स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में ओपन करना चाहते हैं तो या तो क्रोम ब्राउजर उनको यूट्यूब की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है या वाइट स्टूडियो की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। अब इसके फायदे बहुत सारे हैं, इनमें से चंद एक ये हैं कि भाई इस वाइट स्टूडियो पर आप वो काम नहीं कर सकते एप्लीकेशन पर जो आप वाइट स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप वर्जन में ओपन करके कर सकते हो। जैसे कि आप वहां पर एंड स्क्रीन नहीं लगा सकते, आप सबटाइटल वहां पर नहीं लगा सकते, आप कार्ड वगैरह यहां पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है। अपने सिंपली जो ऊपर सर्च बार है जहां पर वेबसाइट शो होती है, वेबसाइट का एड्रेस शो होता है, वहां पर आपने क्लिक करना है और वहां पर आपने टाइप करना है studio.youtube.com। ठीक है, studio.youtube.com ये टाइप करके आपने सेट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपने अपने क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब चैनल को पहले लॉगिन किया होगा तो डायरेक्टली आप डेस्कटॉप वर्जन पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। सिंपली आपने अपने ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप अपने वाइट स्टूडियो में पहुंच जाएंगे क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप वर्जन में। यहाँ पर आप जब बहुत कुछ कर सकते हैं, एनालिटिक्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जैसे कि डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन डालना, टैग्स वगैरह, इन पर कभी फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक और हाउ टू के बारे में मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तक